बताओ ये ऐसे फल एबल लगेगा निकलेगा नहीं अगर पानी बिठा देंगे। ओके अच्छा सही है फिर। लेडी चल ओके डोंट गो ओके लेट्स गो। हाय गाइस अब वॉलमार्ट में जा रहे हैं। मुझे नहीं पता मैंने वॉलमार्ट क्यों कहा। सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड अभी टाइम हो रहा है 7:48 एंड आज का ब्लॉग ना शाम को स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ अभी दीदी लोग के घर पे। तो गाइस ये सामने 14 स्ट्रीट 17 एवेन्यू ये इस साइड में जो जा रहा है नीचे के लिए और ऊपर के लिए सारा 17 एवेन्यू है 14 स्ट्रीट है ये ऐसे में। तो वहाँ से 6 नंबर 2 नंबर बस है जो वहाँ से जाएगी वो लेकिन वो लेट में आ रही है थोड़ा। तो मैं जाऊँगा अभी 7 नंबर से। ये 7 नंबर का स्टॉप यहाँ पे तो ये पहले आ रही है मतलब। तो इसका वेट करते 5 मिनट है इसका भी टाइम। सो भाई बस आ चुकी है अपनी। सो भाई मैं बस में बैठ चुका हूँ और बस देखो भाई पूरी खाली है मतलब 3 ही बंदे बैठे हुए हैं बस में पूरे। तो भाई यहाँ पे उतरा हूँ मैं 7 नंबर बस से और यहीं पे 301 का स्टॉप भी है तो यहीं से मेरे को 301 लेनी है। लेकिन भाई बस का जो टाइमिंग है ना 8:46 दिखा रहा है और अभी टाइम हो रहा है 8:15। सो भाई फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ भाई लैंडमार्क सुपर स्टोर के पास जो बस स्टॉप है। पहले मैं यहीं से जाता था जॉब पे मतलब। गुड मॉर्निंग गाइज आज ये नेक्स्ट डे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:45 तो मैं हूँ भाई अभी दीदी लोग के घर पे। सो गाइज ये है घर का फ्रंट एरिया एंड यहाँ पे सामने देख लो भाई घर सारे एक जैसे लग रहे होंगे आपको देखने में है ना। और धूप अभी ना अच्छी खासी आ गई सुबह तो बारिश हो रही थी बड़ी तेज़ धूप लग रही है अभी। तो ये तो है फ्रंट एरिया जहाँ से मतलब एंट्री है और अब चलते हैं बैक साइड में। सो गाइज ये है बैक डोर और ये आ गए हम बैक साइड में भाई। तो यहाँ पे देखो ऊपर फ्लावर वगैरह लगा दिए अभी क्योंकि समर टाइम आ गया और क्योंकि विंटर में तो भाई यहाँ पे पूरी स्नो रहती है बर्फ़ पड़ी रहती है तो विंटर में तो कर नहीं सकते। समर में लोग ना यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं क्यारियाँ वगैरह बनाते हैं सब्जियाँ लगाते हैं फ्लावर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ खाना रखा हुआ पक्षियों के लिए एंड ये छोटे छोटे बाउल में इसमें भी भाई कुछ बीज मतलब डाले हुए हैं शायद पता नहीं किस चीज़ के। एंड ये है लॉन एरिया तो ये सामने देखो क्यारियाँ बन चुकी है अभी यहाँ पे लगी हुई है लहसुन तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी होगी लहसुन तो यार। और ये साइड में पता नहीं कुछ सब्जियाँ आजकल ही बोई हैं शायद। और ये है सामने छोटा सा गैरेज तो ये लॉन एरिया ना भाई हर घर के पीछे मिलेगा आपको। एंड ये देख रहे हो पीछे साइड में ये जितने भी घर हैं ये देखो ये बगल वाले का दिख रहा है तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:45 मुझे आ रही है भाई नींद और घर पे कोई है भी नहीं तो मैं इसलिए और भी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। हो रहा है शाम सुबह जब भी टाइम हो रहा है शाम के 3:30। काना और अंकुश स्कूल से आ चुके हैं। काना क्या कर रहा है काना हेलो कुछ कह रहे हो नहीं उधर से बोल बताओ ये ऐसे फल एबल लगेगा निकलेगा नहीं अगर पानी बिठा देंगे। अच्छा सही ओके लेडी चल ओके डोंट गो ओके लेट्स गो। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:58 मतलब 8 बजने वाले और बाहर का वेदर कुछ ऐसा है बारिश हुई आज दिन में पूरे मतलब बीच बीच में हो रही थी। तो भाई मैं पूरे दिन सोया रहा आज मतलब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उठने का। काना का चश्मा देखो काना इसको धूप में पहनते हैं इसको सन ग्लासेस बोलते हैं। अभी तो शाम हो गई है। हाय गाइस अब वॉलमार्ट में जा रहे हैं हॉल हम शॉल कट लेने वाले हैं तब आपको बता हुआ बाला स्कूल देखा हिफाएगा बहुत मुझे नहीं पता मैंने वॉलमार्ट क्यों कहा। कोई बात नहीं सुपर स्टोर बोल सकते हो। हाँ सुपर स्टोर ही मैंने गलती से वॉलमार्ट कह दिया वॉलमार्ट जाने की जरूरत नहीं है। बताओ ट्यूजडे में बादशाह का हाथ ठीक हो जाएगा दैट्स व्हाई सब्सक्राइब टू जेल ऑफ कहाँ पे स्कूल आपका वो ग्रे मेडल देख लेना। सो गाइस ये काना का स्कूल है सामने ही वाली जो बिल्डिंग देख रहे हो आप ये ग्रे कलर की कोवेंट्री पार्क और आपके स्कूल का नाम है कोवेंट्री हिल्स। हाँ, स्कूल के पीछे बताऊं साल के इसलिए क्या मैं कोवेंट्री पार्क हूँ। ओके क्या ये एक फ्लावर फ्लावर थोड़ी है ये जब खोलेंगे फ्लावर बन जाएंगे।
तो गाइज ये जो एरिया है ना, ये है नॉर्थ ईस्ट कोवेंट्री हिल्स। ठंड नहीं लग रही तुम्हें? नहीं मुझे ठंड लग रही। सो गाइज अभी हम स्टोर के अंदर आ चुके हैं। सो गाइज ये सारे यहाँ पे लेस लगे हुए हैं भाई, 399 यानी $4 का है ये। तो लास्ट टाइम मैं $5 का लेके गया था। व्हाट इज दिस? So guys, now time is 9:05 and अभी हम स्टोर से वापस जा रहे हैं। क्या लिया खाना आपने? It's okay.